आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देश के नेताओं की शिक्षा दीक्षा के स्तर के किस्से पहले भी आम हो चुके हैं। अब मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने उनके एजुकेशन को लेकर जो जवाब दिया है वह चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल रविवार को एक दिन के दौरे पर शिवपुरी पहुंची मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी से एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ऐसा सवाल कर लिया जिसका जवाब मंत्री ने बेहद चौंकाने वाला दिया है। सवाल और जवाब क्या था आप खुद ही सुन लीजिए। मानदेय 7 तारीख तक मिल जाएगा। शिवपुरी में रविवार को सखी संवाद कार्यक्रम में विभाग की मंत्री इमरती देवी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सवाल जवाब किए। इसी क्रम में डुमडुमा आंगनवाड़ी केंद्र के सहायिका सपना गुर्जर ने मंत्री से पूछ लिया कि हमें 5,000 रुपए मानदेय मिलता है वापिस समय पर नहीं, जबकि DPO का वेतन हमसे ज्यादा है। DPO के वेतन ज्यादा होने की बात सुनकर मंत्री ने जवाब दिया कि DPO की एजुकेशन देखी है। इस पर सहायिका ने मंत्री का ही एजुकेशन पूछ लिया। सहायिका के जवाब से तिलमिला उठी इमरती देवी ने उसे दूसरी नौकरी ढूंढने की सलाह दे डाली। कहीं अच्छी तनख्वाह की नौकरी लगे उसको कर लीजिए। हम किसी जो महिला इस पैसे के लिए जरूरत है हम उसको वो नौकरी देते हैं। मालूम हो कि 26 जनवरी को ग्वालियर में मुख्यमंत्री का संदेश न पढ़ पाने के बाद भी इमरती देवी के एजुकेशन को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया।